चलिए, और सब बढ़िया है? कहाँ है मंगल? 2 मिनट पहले ही सायरन बजने लगता है सारे मोबाइलों के, सब लोग 2 मिनट पहले ही बंकर में चले जाते हैं। और मान लीजिए सर, काम तो आप देखिए रहे हैं इंडिया का, और सब बहुत मुश्किल हालात में सब यहाँ पे हम लोग स्थिति है, काम ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए सब ज़्यादा पैसा वहाँ मिल रहा है सर, ज़्यादा के चक्कर में मान लीजिए सब लोग थोड़ा मन, किसका मन आग में कूदने को करता है, किसी का नहीं करता है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इसराइल पर कई मिसाइलें दागी, इससे इसराइल के तेल अवीव शहर में लोग दहशत में आ गए, लेकिन वहाँ से मीलों दूर भारत में भी कुछ लोग डरे हुए थे और इन हमलों से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में पड़ने वाले सालेह नगर इलाके की नई बस्ती में दिनेश के घर पर कुछ लोग इन्हीं हमलों पर बात कर रहे थे। दिनेश इस वक्त इसराइल में हैं। उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी अपनी पति से क्या बात हुई। अभी आधा घंटा हो गया सर। तो क्या कह रहे थे? तो कह रहे थे कि हम लुकाए थे, उसमें लुका कर जो अभी जो हुआ था, अभी हम फोन उठाए थे तो अभी तो लेटे थे, तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, तो हमने कहा कि ड्यूटी मत जाओ, चले जाओ घर पे, जैसा होगा वैसा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग देख लेंगे, जैसे होगा वैसे निकल जाएंगे। दिनेश सिंह के भाई ने बताया कि वैसे तो अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ईरान और इसराइल में तनाव बढ़ेगा तो यहाँ उनके घर में भी चिंता बढ़ जाएगी। हम लोगों को सर घर वाले, ये भाई भी हमारा एक गया है जो अभी बात हुआ है उससे थोड़ी देर पहले, वो यहाँ पे सब लड़के सर लेबर में गए हैं। और मान लीजिए सर, काम तो आप देखिए रहे हैं इंडिया का, और सब बहुत मुश्किल हालात में सब यहाँ पे सब लोग स्थिति हैं, काम ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए सब ज़्यादा पैसा वहाँ मिल रहा है सर, ज़्यादा के चक्कर में मान लीजिए सब लोग थोड़ा मन, किसका मन आग में कूदने को करता है, किसी का नहीं करता है। इसी तरह भंवर सिंह के भाई राकेश सिंह भी अभी इसराइल के तेल अवीव शहर के पास रह रहे हैं। भंवर सिंह ने वीडियो कॉल पर अपने भाई से बात की और उनका हाल चाल जाना। राकेश ने वीडियो कॉल पर इसराइल के हालात बताए। 2 मिनट पहले सारे मोबाइलों पे सायरन की, सब पे सायरन लगा है, 2 मिनट पहले ही सायरन बजने लगता है सारे मोबाइलों पे, सब लोग 2 मिनट पहले ही बंकर में चले जाते हैं। और वहाँ से पैसा वैसा आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है माहौल? यहाँ का पैसा समथिंग एकदम फिक्स टाइम है, 9 तारीख को डेट में हम लोग का पैसा आ जाता है सुबह ही। पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा सही टाइम आता है। राकेश 5 महीने पहले ही काम के सिलसिले में इसराइल गए थे। उनके पिता ने बताया कि वहाँ के हालात जानकर उन्हें चिंता होती है। काम सर यही लेबर में गए हैं। जब लड़के जाते हैं सर तो चिंताएं बहुत है, पहले सर कम थी, अब ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। बाराबंकी की फतेहपुर तहसील से कुछ दूर नवाबगंज तहसील से भी कुछ लोग इसराइल गए हैं। यहाँ के मंगल सिंह इसराइल में बिस्किट की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके भाई महेंद्र सिंह ने वीडियो कॉल पर अपने भाई का हालचाल जाना। मंगल सिंह ने उन्हें बताया कि 3 मिनट पहले सायरन बज जाता है और सभी बंकर में चले जाते हैं। यहाँ पे मोदी सरकार की योजना से मतलब भर्ती आई थी यहाँ पे लखनऊ ITI कॉलेज से, वहाँ पे मतलब इंटरव्यू हुआ था, उसी इंटरव्यू उनका सिलेक्शन हुआ था, उसी के जो है 68,000 पेमेंट किया गया था, मतलब हाँ फ्लाइट का टिकट का, वो इसराइल चले गए। इस गांव और आसपास के गांव के कई लोग लखनऊ स्थित अलीगंज में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसराइल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां ट्रेनिंग ले रहे चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि बेरोजगारी की वजह से मजबूरी में उन्हें इसराइल जाना पड़ रहा है। हमें लड़ाई को देखते हुए हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सर यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने जान को जोखिम में डाल के आदमी कुछ पैसे के लिए आदमी बाहर जा रहा है हर चीज़ त्याग के। अभी तो लेटेस्ट न्यूज आई है कि वहाँ पे ईरान और इराक वगैरह भी हमला कर दिया है, तो इसको देखते हुए हमें सरकार से गुजारिश है कि अभी ये हम लोग अभी नए रजिस्ट्रेशन में चल रहे हैं, हम लोग का रजिस्ट्रेशन अलीगंज ITI में हो चुका है और हम लोगों की अभी ट्रेनिंग भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और आज 2 अक्टूबर की वजह से छुट्टी भी है, तो आज हम लोग छुट्टी में नहीं गए लेकिन कल से हम लोग की ट्रेनिंग है। अब सरकार इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार आगे की प्रक्रिया वो कैसे करनी मतलब कर चाह रही है और कैसे करेगी।
इस इलाके के तकरीबन 2 दर्जन युवक रोजगार की तलाश में इजराइल गए हुए हैं और यहां पर उनके परिवार वालों की चिंताएं बढ़ रही हैं, खास करके जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया है उसके बाद से परिवार वाले उनकी खैरियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर युद्ध बढ़े तो भारत सरकार उनको यहाँ वापस लाने में मदद करे। सैयद मोजिज़ इमाम, BBC, बाराबंकी।